जमशेदपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में चला बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन में 3 मकान और 40 दुकानों को तोड़ा गया। 2 दिन पहले जमशेदपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। जमशेदपुर के हिंसा प्रभावित इलाके में सोमवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। बुलडोजर एक्शन में अतिक्रमण के जद में आए 3 मकानों और करीब 40 दुकानों को तोड़ दिया गया। दाहिने साइड में है, अपने दुकान को खाली कर लें, अपने सामान को यहां से सुरक्षित लेकर निकाल लें। कार्रवाई से पहले पुलिस ने लाउड स्पीकर से ऐलान कर दुकानें खाली करने को कहा। इस दौरान स्थानीय पुलिस के साथ आरएएफ के जवान भी मुस्तैद थे। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स में अन्य बाकी सेंसिटिव जगह पे भी इस तरह की निगरानी रखते हैं। तो कल जो पत्थरबाजी हुई है उसको देखते हुए हमने आज ड्रोन से इसका स्कैनिंग किया है ताकि इस तरह के रिपीटेशन इंसिडेंट्स के दोबारा नहीं हो। 144 धारा लगाई हुई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर में 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई थी। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई थी। इस बीच हालात सुधरने के बाद शहर में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। हालांकि धारा 144 अभी भी लागू है। सभी संवेदनशील इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। जमशेदपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में चला बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन में 3 मकान और 40 दुकानों को तोड़ा गया। 2 दिन पहले जमशेदपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। जमशेदपुर के हिंसा प्रभावित इलाके में सोमवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। बुलडोजर एक्शन में अतिक्रमण के जद में आए 3 मकानों और करीब 40 दुकानों को तोड़ दिया गया। दाहिने साइड में है, अपने दुकान को खाली कर लें, अपने सामान को यहां से सुरक्षित लेकर निकाल लें। कार्रवाई से पहले पुलिस ने लाउड स्पीकर से ऐलान कर दुकानें खाली करने को कहा। इस दौरान स्थानीय पुलिस के साथ आरएएफ के जवान भी मुस्तैद थे। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स में अन्य बाकी सेंसिटिव जगह पे भी इस तरह की निगरानी रखते हैं। तो कल जो पत्थरबाजी हुई है उसको देखते हुए हमने आज ड्रोन से इसका स्कैनिंग किया है ताकि इस तरह के रिपीटेशन इंसिडेंट्स के दोबारा नहीं हो। 144 धारा लगाई हुई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर में 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई थी। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई थी। इस बीच हालात सुधरने के बाद शहर में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। हालांकि धारा 144 अभी भी लागू है। सभी संवेदनशील इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।